आज है डे 3 हॉस्पिटल में और सब कुछ ठीक रहा तो आज फाइनल डे है। आज हमारी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से। बहुत ही स्पेशल डे और भी ज्यादा इसीलिए कि आज अंगद का बर्थडे है। मैं अभी कुछ टाइम के लिए घर आया हुआ हूँ। घर में मैंने सोचा कि बेबी के लिए कुछ डेकोरेशन तो होना ही चाहिए। बहुत सुपर्ब लग रहा है। आज सुबह अंगद 7 बजे निकला, अभी 9 बज रहे हैं। सुबह से मैंने देखिए 2 घंटा तो खुद से मैनेज कर लिया। बस जब फीडिंग का टाइम था तो मैं नर्स को बुलाया था क्योंकि वो पिलो वगैरह मुझे चाहिए था ना, फीडिंग पिलो उसके लिए। अदरवाइज तो अपना मैनेजमेंट हो गई है। मैं बस लेट के आराम कर रही थी, बेबी भी आराम कर रहा था। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आई थी डॉक्टर राउंड पे, जैसे बहुत लाइट आ रही है ना, कोई बात नहीं। डॉक्टर आई थी, मतलब पीडियाट्रिशियन आई थी। बेबी का जॉन्डिस का रिपोर्ट आ गया है और जॉन्डिस नहीं निकला है। ये फर्स्ट विक्ट्री और हम घर जा सकते हैं। ये इतना ज़्यादा मुझे खुशखबरी मिली है ना इस चीज़ की कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला आप जा सकते हो। मेरा तो हो ही गया था रिलीज, बेबी का ही बाकी था तो बेबी का भी टिक मार्क हो गया कि जाइए। तो अब अंगद आएगा फटाफट, इंश्योरेंस का सारा काम जाम जो भी है, सारा पेमेंट वेमेंट सब स्टार्ट करेगा प्रोसेस और लगेगा। बोला उन्होंने कि 4-5 घंटे लग जाएंगे आपको सब प्रोसेस करते करते, तो वो सारा प्रोसेस होगा। फिर मुझे लगता है कि 4 बजे तक तो हम यहाँ से निकल ही सकते हैं। तो ये चीज़ की बहुत टेंशन थी मुझे कि बस सब ठीक रहे। पर हाँ, पर बोला है पीडियाट्रिशियन ने कि 3 दिन के बाद फिर से आना है, उसमें फिर से चेक होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूबॉर्न को हॉस्पिटल में नहीं चलता है पता, मतलब नहीं होता है जॉन्डिस, घर जाके हो जाता है। तो इसीलिए 3 दिन के बाद फिर से बोला आना है आपको और टेस्ट कराना है और मिलना है उनसे, तो फिर आएंगे। और मेरी डॉक्टर ने बोला है, मतलब गायनेक ने बोला है सीधा 10 डेज के बाद मिलने के लिए। तो उनका तो मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया ऐप से कि भूल ना जाऊँ, और इसका भी अपॉइंटमेंट लेकर ही जाएंगे। तो 3 डेज बाद आएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तब तक बुलाएगी ना, फीडिंग वीडिंग करते रहिए। और बस मसाज के लिए बोला है अभी नहीं, कि बिल्कुल अभी नहीं करना है। कब करना है तो मिनिमम बोला है 2 वीक्स तो नहीं करने के लिए, तो वो तो है ही। और साथ में बोला है कि आप स्पॉन्ज बात दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस उतना ही। चलिए खा के देखती हूँ कैसा है। सांभर बहुत दिन बाद खा रही हूँ। सांभर कड़ी जैसा क्यों दिख रहा है पता नहीं। सांभर बहुत डिफरेंट है एक्चुअली। कल अंगद ने खाया था, मुझे सांभर नहीं मिला था कल, तो कह रहा था बहुत डिफरेंट है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या डिफरेंट है। अच्छा है, खाना अच्छा है यहाँ के कैंटीन का, बहुत अच्छा है। सर्विस भी बहुत फास्ट है, फोन करिए ऑर्डर प्लेस हो जाता है। पेशेंट का तो मतलब वो ऑप्शन देते थे मेरे लिए, सुबह पूछने आते कि आप इडली खाओगे, उपमा खाओगे या फिर खिचड़ी खाओगे, ऐसा कुछ। मैंने कहा इडली, और जूस भी देके गया मेरे लिए। और अंगद के लिए फ़ोन करिए ऑर्डर प्लेस करिए, मेन्यू है पूरा, वो तुरंत 10 मिनट में ला के खाना दे देते हैं। बहुत अच्छी सर्विस है। अभी जो मेरी ड्रेसिंग होगी उसके बाद मुझे ये वाला ड्रेसिंग डाला जाएगा जिसमें कि आप शार वगैरह भी ले सकते हो, पूरा वाटरप्रूफ रहता है। तो ये देखते हैं कैसे लगाती है। ला के दे दिया है, ये अभी तक नहीं खोला हमने, देखिए ना टाइम ही नहीं मिला, लगता है घर जाके ही खोलेंगे। वेलकम टू पेरेंटहुड, कल ही खुलेगा शायद। आ गया अंगद फाइनली। कितने बजे आए पता है? 10:05, हाँ मतलब 10:05 के आसपास में आ गया, टाइमली जो हम सोचे थे। और मेरे लिए देखिए घर से वो वाला मिठाई भी लेकर आया, क्योंकि इसमें तो सिर्फ डेट्स है तो ये खा सकते हैं, शुगर है नहीं। फिर मैंने भी आधा नाश्ता रखा हुआ था, आधा नाश्ता कंप्लीट किया, चाय अंगद के साथ ही कंप्लीट किया। चाय ओके था ना, ठंडा हो गया था, फिर भी थर्मस में भी ठंडा दिया ही होगा, फिर और 2 घंटा रह गया तो फटाफट खाते हैं। अब अंगद को जाना है, डिस्चार्ज प्रोसेस में लगना है, 10:30-11 से लगेगा, तो कह रहे हैं ये लोग 4-5 घंटे लगेंगे। अब देखो क्या होता है, कितना घंटा क्यों लगेगा डिस्चार्ज में भाई। तो वो सब में अंगद लगेगा, तब तक बेबी वहाँ पे है, उसको बेबी को भी नहलाना है, शार टाइम है तो नर्स लेके जाएगी। और अंगद नील कटर लेकर आ गया, वो सीज़र जो कि यहाँ पूरे हॉस्पिटल में कहीं नहीं था। तो आप लोग जब भी हॉस्पिटल आए तो वो वाला जो सीज़र का पैकेट आप देख रहे हो, हमारे घर में था, हमने ले रखा था, पर हम ले के नहीं आए, सोच के कि ये तो वो लोग देंगे ना, बेबी को नहलाएंगे, सीज़र तो रखते ही होंगे। तो कह रहे नहीं, वो तो आपको ही लाना रहता है, और कोई दुकान नहीं। अंगद तो फर्स्ट क्राई गया कल, वहाँ नहीं मिला, मेडिकल शॉप में नहीं मिला। हमने क्या क्या ट्राई किया, बिग बास्केट ट्राई किया, अपोलो फार्मेसी, अपोलो ऑनलाइन फार्मेसी वाले सारे सब ट्राई किए, सब भी नहीं मिला। और एक दे भी रहा था ना तो वो नील कटर दे रहा था। हाँ, अच्छा ये सीजर नीचे भी मिल रहा है।
वो तो चलेगा नहीं, फार्मेसी में भी चलता है, पर नेल कटर नहीं चाहिए, हमको सीजर चाहिए। सीजर चाहिए तो बस वो सीजर वाला घर पे सोचिए लेके हमने रखा था, पर हम सोच रहे थे हॉस्पिटल है भैया, यहाँ तो नहला के ये लोग करके देंगे, उनका काम है नहलाना। देखिए ये हमारे पास था घर में, तो ये चाहिए था हमको। तो आइए कभी भी हॉस्पिटल तो लेके आइए, नहीं मिलता है अदरवाइज। तो आज नेल्स भी कट जाएंगे फाइनली। अंगद के लिए मैंने जो कहा था कुछ सरप्राइज, वो उसको मिल चुका है। एंड वो सरप्राइज मैं ही दिखा देती हूँ, कोई नहीं, अभी बिजी है बर्पिंग में। तो मैंने, क्योंकि अंगद का आज बर्थडे है, तो ये मेरी तरफ से नहीं है, ये बेबी की तरफ से है। तो ये बुके है जो कि हम लोग डोंट वरी रूम में नहीं रखने वाले, इंस्टेंटली इसको जाके हम लोग बाहर रख देंगे, क्योंकि बेबी के लिए ठीक नहीं रहेगा। पर ये देखिए ये वाला बुके कितना प्यारा है, साथ में है केक ऑफ कोर्स, एंड बेबी की तरफ से ग्रीटिंग कार्ड भी है और एक छोटा सा गिफ्ट भी है जो पापा खुद खोलेंगे। तो ये मैंने प्लान कर रखा था। और अंगद को जब फ़ोन आया तो मैंने कहा जाओ कोई मिलने आया है नीचे, कह रहा कौन मिलने आया हॉस्पिटल में। मैंने कहा जाओ देखो कि वही लेकर आएगा ना, मैं तो कैसे जाऊंगी। और अभी 12:30 बजे बेबी की फोटोग्राफी है जो हॉस्पिटल की तरफ से है, तो बस हो गया है टाइम, इसलिए फटाफट फीड कराया। तो एक काम करेंगे, पहले तुम इसका फोटोग्राफी करवा के ले आओ, फिर हम लोग केक कटिंग साथ में करेंगे फुल फैमिली। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। मैंने ये सोच के रखा था कि मैं सब अच्छा हो जाए आज, मुझे तो विश्वास था कि हम लोग आज घर जाएंगे, और वही हो रहा है ये। और वहाँ पे दोस्तों हॉस्पिटल का बिल पड़ा है। मैं आराम से बताऊंगी आपको कितना आया, कैसे इंश्योरेंस में कितना क्लेम हो रहा है, पर वो लोग दे के जा चुके हैं। कि वो गया, निकल गया, आप लोग काम हो गया है, आंटी डिली करिए, और अब कोई नहीं आएगा पूछने हमको, ठीक हो ना आप लोग। वी आर ऑन आर ओन, कल से ही वी आर ऑन आर ओन ना। एक्चुअली कल से, सुबह से ही, कल से ही, मतलब हाँ थोड़ा सपोर्ट एकदम ही कम, एकदम ही। मैं बताऊंगी एक्सपीरियंस कैसा रहा, पर हाँ एक ही दिन की चांदनी थी जिस दिन मेन था डिलीवरी ऑपरेट करना है। हाँ, इस दिन सब कुछ स्मूथ अच्छा चला, नेक्स्ट डे से वी आर ऑन आवर ओन। एनीवेज तो हाँ, अभी ये है रूम की हालत, हमें वाइंड अप भी करना है ऑफ कोर्स, सब चीजें पैकिंग होगी, पर पहले फोटोग्राफी हो जाए, फिर ये केक कटिंग कर लेंगे, फिर थोड़े स्टाफ्स में दे देंगे केक हम लोग, है ना। फिर अंगद मिठाई भी बांटेगा, फिर पैकिंग होगी, खाना भी खाना है यहीं पे, फिर घर जाना है, तो मतलब 3-4 बज जाएगा हमको, बहुत सारा प्रोसेस है, और बीच में इनका तो चलता ही रहेगा अपना प्रोसेस। चलिए फाइनली मैं आपको नॉर्मल कपड़ों में दिख रही हूँ, और मुझे भी खुद में नॉर्मल कपड़ों में दिख रही हूँ। तो जो क्लाउड नाइन का कपड़ा था वो निकल गया, मैंने अभी शावर लिया है अच्छे से, हेयर वॉश नहीं किया है, हेयर वॉश मैं घर जाके आराम से करूंगी, फिर गीले रहेंगे ना, मैं ड्रायर नहीं लेकर आई हूँ। पर अच्छे से गर्म पानी से शार लिया, क्योंकि जो मैंने कहा था जो टेप लगाया गया है, मतलब अब जो ड्रेसिंग हुई है वो वाटरप्रूफ है, डॉक्टर ने कहा है कि रोज नहाना है क्योंकि आपको बेबी को फीड करना है, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है नहा के। एंड कपड़े में ये लेकर आई थी, मैं ये पहन के घर नहीं जाने वाली, होम कमिंग के लिए हमने तीनों ने कोऑर्डिनेट करके डिसाइड किया है क्या पहनना चाहिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पर ये अभी पहन लिया है क्योंकि अभी भी 2-3 घंटे तो हैं जाने में, तो मैंने उनका निकाल दिया है, अच्छा फ्री फ्री से लग रहा है, और ये भी फीडिंग वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सच में आप ना हॉस्पिटल के कपड़े जब निकाल देते हो तो आपको मेंटली एक लगता है कि हाँ चलो बैक टू नॉर्मल आ गई, वो मुझे वैसा भी फील हो रहा है। अभी बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे कि सोना हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, ठंड लग जाएगी, आप कैप पहन लो, सॉक्स पहन लो। तो देखिए मैं नहीं वो सब कर रही हूँ, और बैंगलोर का मौसम भी ठंडा नहीं है, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली कि क्या मुझे कैप पहनना जरूरी है, क्या सॉक्स पहनना है, क्या वो सब करना है, हेयर वॉश रोकना है, मुझे तो पता था पर फिर भी मैंने कन्फर्म कर लिया। उन्होंने कहा नहीं अभी बिल्कुल भी यहाँ पे ठंड नहीं है, अगर आपको ठंड लग रही है तो कर लो, नहीं लग रही है तो कोई मतलब नहीं है, स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग इज नॉट गुड, फिर आप हाइजीनिक नहीं रहोगे, तो जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, मुझे पता है फिर भी कमेंट्स आते रहेंगे कि लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो मैं जो कर रही हूँ वो धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए, आपको लगता है कि नहीं ये तरीका गलत है तो आप मत करना, सिंपल, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा मेकअप भी करती हूँ, बाद में अंकित के साथ केक कटिंग भी होनी है, केक कटिंग मैं इसी ड्रेस में कर लेती हूँ, कोई नहीं बाद में तैयार होंगे। अभी जो हॉस्पिटल में बेबी की फोटोग्राफी होनी है ना, उसके लिए अंकित पूछ के आया, तो बोला आप कोई भी अपने पसंद का कपड़ा पहना दीजिए, तो हम लोग ये वाला पहना रहे हैं ब्राउन, तो अच्छा लगेगा, व्हाइट थीम है पीछे तो उस पर ये अच्छा लगेगा, साथ में व्हाइट वाला मिटेंस कैप्स का पूरा सेट रहेगा, तो व्हाइट पे ये ब्राउन जाएगा, तो एक ही पिक्चर उन लोगों को लेना है,
तो वो अंगद अभी करवा के आएगा, तो जो भी उसने पहना था वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। वो वाला पहना था उसने ग्रे कलर का रॉम पर, तो उसमें फीड किया तो थोड़ा गंदा हो गया, तो इसको चेंज करके ब्राउन डाल के पिक्चर खिंचवा के फटाफट आ जाएगा। फिर हमारा होगा केक कटिंग सेरेमनी। ये वाला एरिया है ना थोड़ा बहुत क्लीन करेंगे, और ये जो पंप है ये स्टरलाइज होने के लिए जाएगा अभी सिस्टर के पास। ये और ये बॉटल, ये तीनों फ्रिज के पास स्टरलाइज हो जाता है। ये मेरा दाल आया हुआ है, और ये अभी हमने जूस पिया, तो मैं इसको भी क्लीन कर लेती हूँ फटाफट। इसको पहनाना देखिए बहुत आसान है, ऐसे करके पूरा ये खुल जाता है रोम पर, और फिर यहाँ बेबी को प्लेस करिए और इसको बांध दीजिए। और क्लिप्स जो लगे हुए हैं ना उसके अभी नाभि में, अगर आपको निकालना है तो वहाँ का वो वाला बटन खोल दीजिए तो वो बाहर भी निकल जाएगा। अदरवाइज अंदर ही रखने से बहुत अच्छे से वो अंदर ही रह जाता है। तो इट्स वेरी ईजी, पहनाने में बहुत बहुत आसान है। तो बेबी का फोटोशूट हो गया, उसके बाद अंगद ने शार लिया, फ्रेश हुआ, और अब बारी है केक कटिंग की। तो जो मैंने इसको सरप्राइज़ दिया था उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मुझे भी लगता है कि ये हमें ना हमेशा याद रहेगा ये वाला सेलिब्रेशन। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में हमने अलग अलग जगह जा करके अंगद का बर्थडे मनाया है, कभी किसी रिसोर्ट में जा करके, कभी कहीं, लेकिन ये वाला जो है ना ये सबसे ज़्यादा स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेशन है, क्योंकि एक तो हमारे साथ पे इस बारी बेबी भी है, प्लस ये वाला हमने हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया। अंगद ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कुछ भी ऐसा प्लान करूंगी, पर मैंने ये पहले से सोच रखा था। जिस दिन डिसाइड हुआ था कि बेबी किस दिन होने वाला है उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मुझे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंगद के बर्थडे के दिन में ऐसा कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, और मैं कर पाई। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी और अंगद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बेबी को हमने यहाँ पर अभी नहीं रखा साथ में, क्योंकि एक तो यहाँ पर फ्लावर था इसीलिए हमने उसको साइड में, वो सो रहा था तो सोने दिया, डिस्टर्ब नहीं किया, और आपस में ये क्यूट सा सेलिब्रेट किया। बहुत ही ज़्यादा अंगद बाद में इमोशनल भी हो गया था, वो सब तो मैंने शूट नहीं किया। और बेबी की तरफ से मैंने छोटा सा एक गिफ्ट भी अंगद को दिया और एक ग्रीटिंग कार्ड भी दिया जिसमें कुछ लिखा हुआ था, वो भी पढ़ के उसको बहुत अच्छा लगा। उसका स्टैंड है। हमारा टूटी गया है वैसे भी निकाल लेंगे। अच्छा लगा, ठीक है, अभी उसमें कार्ड भी होगा। Thank you.